बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को अक्सर मीडिया पर भड़कते देखा गया है। जैसे ही पैपराजी उन्हें कैप्चर करने आते हैं, वो उन्हें देखकर गुस्से में चिल्लाने लगती हैं, जिस वजह से उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। वहीं अब खुद जया बच्चन ने इसके पीछे की वजह बताई है। उनका कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनकी निजी जिंदगी में दखल दे। नाते नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट के एक एपिसोड में जया बच्चन ने इसका खुलासा किया। वो कहती हैं, मुझे नफरत होती है, नफरत करती हूँ उन लोगों से जो मेरी पर्सनल लाइफ में दखलअंदाजी करते हैं, अपना पेट मुझसे जुड़ी न्यूज से भरते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मीडिया को हमेशा कहती हूँ कि आपको शर्म नहीं आती है क्या? तभी अपनी नानी की इस बात को सुनकर नव्या कहती है, यह बात तो आपको शुरू से ही पता थी कि अगर आप एक एक्ट्रेस बनेंगी तो आपके साथ ऐसा ही होगा। जिसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा, हाँ पता था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ केटर नहीं की और ना ही कभी एंडोर्स की है। जिस तरह वो लोग आते हैं, मुझे खराब महसूस होता है, मैं अपसेट हो जाती हूँ। मैं ये आज से नहीं कह रही, मैं ये अपने करियर के पहले दिन से कहती आ रही हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं अगर तुम मेरे काम से जुड़ी बातें करोगे। अगर आप कहोगे कि ये खराब एक्ट्रेस है, इनकी ये फिल्म खराब है, ये अच्छी नहीं लग रही है, ये सब ठीक है क्योंकि वो विजुअल मीडिया है, लेकिन बाकी की मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीज़ें मुझे खराब लगती हैं। लोग आते हैं, कुछ सेकंड के लिए देखते हैं और फिर चले जाते हैं। इस तरह थोड़ी ना होता है कि आओ फोटो क्लिक करो और चले जाओ, मत आओ ना फोटो लेना। वही ट्रोलिंग को लेकर उन्होंने कहा, अगर लोग मुझे खराब मुंह और गुस्से वाले मुंह को देखकर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और YouTube, Instagram और Twitter पे अपना कंटेंट बेचना चाहते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, करते रहो, मैं ध्यान नहीं देती। पर्सनली मुझे लेकर वो कुछ भी सोच सकते हैं, मेरे काम को लेकर एक राय रख सकते हैं, मुझे खराब बोल सकते हैं, मेरे मुंह को खराब तरह से दिखा सकते हैं, मैं खराब एक्टर हूँ कह सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल कैरेक्टर के बारे में चीज़ें लिखना गलत है। मेरे बारे में लिखते हैं कि इन्हें केवल गुस्सा कैसे होना है, यही आता है। अरे गुस्सा हाँ मैं होऊंगी, क्योंकि आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखलअंदाजी कर रहे हैं। जया बच्चन का यह भी कहना है कि ये लोग सेलेब्स की वीडियोस लेकर उसे काट करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं। मीडिया वाले क्या लेते हैं या फिर क्या करके लगाते हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं। तो आपके पास आज़ादी है ये सब करने की, लेकिन मेरी आज़ादी का क्या? कुछ लोग कमेंट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी ओर से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, उन पर बात होगी फिर तू मैं होगी। आप जया बच्चन के इस बर्ताव के बारे में क्या कहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।